नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अनुदेशक न्यूज। आज अनुदेशकों से संबंधित एक साथ कई खबरें हम देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से, बने रहिए हमारे साथ अनुदेशक न्यूज पर। साथियों, शुरू करते हैं आज का ये खास समाचार। तो आज के खास वीडियो में पहला समाचार है, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ ने अनुदेशक शिक्षा मित्रों की मांग को ज्ञापन में प्रमुखता से रखा है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं साथियों, इसके 9 नंबर पॉइंट में, यानी कि ज्ञापन के 9 नंबर पॉइंट में लिखा गया है, प्रदेश में कार्यरत अनुदेशकों को शिक्षक के पद पर समायोजित किया जाए व स्थानांतरण की सुविधा एवं कम से कम 30,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाए। ये ज्ञापन प्रदेश अध्यक्ष ने दिया है माननीय विजय किरण आनंद जी के लिए। और दूसरे पॉइंट में लिखा है, मृतक शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों व विशेष शिक्षकों के पालियों को विभाग में नियुक्ति प्रदान की जाए। तो साथियों, देखा पूर्व की भांति इस बार भी उत्तर प्रदेश शिक्षक संघ ने अनुदेशक शिक्षा मित्रों की बात को अपनी मांग पत्र में रखा है। दूसरा बड़ा समाचार अनुदेशक संबंधित आ रहा है राकेश पटेल की ओर से। जी हाँ साथियों, राकेश पटेल ने मांग पत्र दिया है। प्रिय अनुदेशक साथियों नमस्कार। साथियों, वर्तमान में चल रहे अनुदेशक समस्याओं के समाधान हेतु पूर्व माध्यमिक अनुदेशक कल्याण समिति उत्तर प्रदेश द्वारा दिन रविवार को उत्तर प्रदेश में वर्तमान कैबिनेट मंत्री मत्स्य श्री संजय कुमार निषाद जी से उनके लखनऊ आवास पर मुलाकात की गई। अनुदेशक समस्याओं के समाधान के संबंध में मांग पत्र दिया गया है, जिसको उन्होंने तत्काल वैश्विक शिक्षा मंत्री महोदय को उक्त पत्र पर त्वरित कार्रवाई हेतु लिखा व हमारे सामने ही वैश्विक शिक्षा मंत्री महोदय से वार्ता भी की। इसी क्रम में सोमवार को अनुदेशक समस्याओं के समाधान हेतु प्रमुख सचिव वैश्विक श्री दीपक सर व महानिदेशक स्कूल शिक्षा श्री विजय किरणानंद सर व पटल देख रहे संबंधित अधिकारियों से मुलाकात की गई। विस्तृत अनुदेशक समस्याओं व उनके समाधान पर विस्तृत चर्चा हुई। उक्त मुलाकात में प्रयास किया गया कि मानदेय 70,000 के न्यायालय आदेश का अनुपालन हो, सरकार, सुप्रीम कोर्ट ना जाए व अन्य छोटी बड़ी समस्याओं का समाधान कराया जा सके, जिसके लिए लगातार निदेशालय व शासन से पैरवी करनी होगी, जो कि संगठन के द्वारा जारी रहेगा। आप समस्त को समय समय पर अवगत कराया जाता रहेगा। उन्होंने बताया साथियों, सरकार, अधिकारियों व अनुदेशकों के बीच न्यायालय व अन्य विरोध की जो गहरी खाई बन गई है, उसको पाटने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे कुछ साथी सुप्रीम कोर्ट में पहले जाने की पैरवी कर रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहूँगा कि न्यायालय जाना अंतिम प्रक्रिया होती है, जब कोई रास्ता ना देखे इसलिए न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट अपने पहले जाने का ना सोचे, बल्कि प्रयास ये हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट हम अनुदेशकों को ना जाना पड़े और नवीन सत्र से पहले हमारा मानदेय 17,000 और स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। प्रयास किया जा रहा है कि स्थानांतरण के साथ साथ अंतर जनपदीय स्थानांतरण व मेट्रो रेलवे वाली समस्या को भी सॉल्व कर लिया जाए। अनुदेशक कार्यकाल सहित व अन्य छोटी बड़ी मांगों को पूरी मजबूती से रखा गया व पूरा प्रयास किया गया कि उक्त समस्या के समाधान हेतु शासनादेश जारी किया जाए। माननीय वैश्विक शिक्षा मंत्री जी का लखनऊ में कार्यक्रम लेने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे वर्तमान सरकार में सामंजस्य बैठाकर नई शिक्षा नीति में अपने भविष्य को सुरक्षित किया जा सके। मेरे साथ उक्त कार्यक्रम में प्रदेश महासचिव धर्मेंद्र शर्मा जी, प्रदेश उपाध्यक्ष वाल मुकुंद निषाद जी, प्रदेश सचिव अजीत जी, जिलाध्यक्ष गोरखपुर विनोद कुमार जी रहे। धन्यवाद आपका, राकेश पटेल।